दोस्तों आईपीएल 2023 के आगाज से पहले बीसीसीआई ने बनाया नया नियम। इससे पहले क्रिकेट जगत में कभी भी नहीं सुना होगा आपने ऐसा नियम। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है वो नियम बताएंगे आपको इस वीडियो में। पूरा अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन यानी कि आईपीएल 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट के शुरू होने में 30 से भी कम दिन यानी कि अभी मानकर चलें कि आज 9 मार्च हो गई और 31 मार्च से आईपीएल शुरू होगा, तो कुल मिलाकर 21 दिन यहां पर बीच में रह गए हैं और सभी फ्रेंचाइजी आईपीएल 2023 की तैयारियों में भी जुट गई है। लेकिन दोस्तों अब तक खिलाड़ी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। इसी बीच आईपीएल के नियमों को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो सामने आया है। दोस्तों हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के नियमों में बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या है और इससे टीमों को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 मार्च से शुरू हुई महिला प्रीमियर लीग 2023 यानी कि WPL 2023 ने दुनिया भर में धूम मचा दी है। दिन ब दिन फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच WPL का एक अनोखा नियम भी लाइमलाइट में आ गया है। WPL के हुए पहले और दूसरे मैच में टीमों ने नो बॉल और वाइट बॉल के लिए DRS का इस्तेमाल किया। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नो बॉल और वाइट बॉल के लिए। इसके बाद से ही नियम जो है वो सुर्खियों में आ गया है क्योंकि इस रूल को फैंस ने अब तक किसी भी पुरुष क्रिकेट लीग में नहीं देखा था, क्योंकि मेंस को मैच में केवल आउट और नॉट आउट करार देने पर ही रिव्यू लेने की इजाजत है, जबकि WPL में इस नियम ने IPL में क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है। जी हाँ, और दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो मैच है वो इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में फंसा होता है और एक एक रन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तो ऐसे में अंपायर जो है वो एक एक रन, मान लीजिए कि कोई गेंद वाइड नहीं थी और उसको उसने वाइड दे दिया है, या फिर कोई मतलब कुछ भी किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए कि वेस्ट हाइट की अगर नो बॉल है उसको अंपायर ने गलत तरीके से नो बॉल दे दिया है, तो उसको आप बदल सकते हैं, उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपको हो सकता है। हालांकि वाइड बॉल में तो केवल एक रन का ही फायदा होता है, लेकिन नो बॉल के अंदर आपको फ्री हिट का भी फायदा हो सकता है, तो वहां पर फ्री हिट से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल में भी टीमों को नो बॉल और वाइड बॉल पर रिव्यू लेने की सहमति हो सकती है। आईपीएल 2023 में वाइड और नो बॉल पर रिव्यू लेने का नियम लागू किया जाएगा। ये रूल आईपीएल के मुकाबले में रोमांच का तड़का लगाने का काम करेगा क्योंकि कई मौकों पर गेंदबाजों को बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए रोकने के लिए वाइड लेंथ यॉर्कर जैसी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया और ऐसे में ये निर्णायक भी साबित हुआ है। ऐसे में इन गेंदबाजों की इस चतुराई को खत्म करने के लिए बैटिंग टीम इस नियम का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं पर आईपीएल में नो बॉल को लेकर विवाद खड़ा होना कोई नई बात नहीं है क्योंकि इतिहास में इस विवाद के कई बड़े नाम जुड़े हैं। इन्हीं में से एक साल 2019 में हुई नो बॉल की कॉन्ट्रोवर्सी थी जिसमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई के बीच में मुकाबला था और अंपायर ने गलत डिसीजन दिया था और उसके बाद में MS धोनी जो है वो मैदान पर आ गए थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई थी। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसी चीज़ को रोकने के लिए BCCI यहाँ पर IPL में भी नो बॉल और वाइड बॉल पर रिव्यू लेने का नियम जो है वो लागू कर सकता है। बाकी दोस्तों आपकी आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनता जनार्दन है, आपके हिसाब से ये नियम आना चाहिए या फिर नहीं, इस पर आप अपनी राय जरूर से दें और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।